आज जो मोर्चा निकला इसको न भूतो न भविष्यति का मोर्चा करार दिया गया? देखिए, तीन पार्टियां एकत्रित आने के बावजूद इतना छोटा मोर्चा निकला। कल हमने उनको आजाद मैदान पर आप मोर्चा लेकर आइए कहा था, हमको पता था ये नहीं लेंगे, क्योंकि आजाद मैदान का एक कोना भी ये नहीं भर पाते। और आज देखिए, किसी ने ड्रोन शॉट्स नहीं दिखाए, क्लोजअप शॉट्स दिखाए, क्योंकि ड्रोन शॉट जितना बड़ा मोर्चा ही नहीं था। और उन्होंने जानबूझकर सकरी गली ये मोर्चे के लिए या सकरा रास्ता मोर्चे के लिए चुना था कि जहां पर कम लोग भी ज्यादा दिखे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये मोर्चा निकाला गया है, इनके पास इश्यूज समाप्त हुए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये हमारे लिए कल भी पूजनीय थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन मोर्चा कौन निकाल रहे? जो रोज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान कर रहे, जो रोज संतों का अपमान कर रहे, जो वारकरी संप्रदाय का अपमान कर रहे, हिंदू देव देवता का अपमान कर रहे, ये लोग इस प्रकार का मोर्चा नहीं। इनको अधिकार क्या है? इनको हक क्या है? इनको कोई हक इस प्रकार का नहीं है। और ये सारा ढकोसला है, मैं ऐसा मानता हूं कि मोर्चा पूरी तरह से विफल है। पूरे महाराष्ट्र भर से एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया इस मोर्चे को बड़ा करने के लिए। शिवसेना को अमूमन माना जाता है कि अर्बन पार्टी है और मुंबई में उसका बेस है, लेकिन आज एनसीपी के झंडे ज्यादा दिखाई पड़े। देखिए, मोर्चा तो नैनो हुआ, मोर्चा कोई बड़ा तो हुआ नहीं। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाने के बाद परिस्थिति ये होनी चाहिए थी, कई किलोमीटर लंबा मोर्चा, पूरा आजाद मैदान भरने वाला मोर्चा, ये उन्होंने करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। मोर्चा विफल हुआ है, ये तो संख्या से दिखाई पड़ता है, मोर्चा तो बिल्कुल विफल ही हुआ। मुंबई तोड़ने की कोशिश है क्या? देखिए, ये जो कैसेट अटकी हुई है ना उद्धव जी की, कभी ना कभी मेरा निवेदन उनसे होगा कि कैसेट को थोड़ा आगे बढ़ाए, क्योंकि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई तोड़ नहीं सकता, भारत का संविधान सर्वोपरि है, ये उनको भी पता है, लेकिन उनकी कैसेट आगे जाती नहीं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने नए स्क्रिप्ट राइटर अभी रखने चाहिए।